हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी कंप्रेसर के बारे में कि डी कंप्रेसर कैसे बिठाते हैं और वो क्या काम करता है। तो डी कंप्रेसर जो होता है वो आपका एयर के फ्लो को कटिंग करने का काम करता है। आप नाम से ही समझ सकते हैं, डी कंप्रेसर मतलब कंप्रेसर को जो भी एयर होता है उसके एयर के फ्लो को काटता है, तो उसे डी कंप्रेसर कहते हैं। तो अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा कि आपकी गाड़ी में अगर ज़्यादा एयर आती है तो आपकी गाड़ी बैक मारती है, आपकी किक वगैरह क्या होती है बैक मारेगी और आपकी गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल देती है, प्रॉब्लम होता है। तो डी कंप्रेसर इसके लिए लगाया जाता है। तो ये देखिए, जो एक्स्ट्रा एयर आपके हेड पे बनती है तो उसे वो कट करती है। तो ये देखिए, ये होता है, इसका पिन होता है। तो इसका पिन देखिए, ये टूट गया है, तो हमने नया पिन लाया और इसे हम बिठा कर दिखाते हैं आपको ये कैसे बैठेगा। तो ये देखिए, इसे हमने वेल्ड भी कराया था बट ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था। छोटी सी पेन है बट बड़ी काम की चीज़ है। अगर ये नहीं लगेगी तो आपकी गाड़ी में स्टार्टिंग ट्रबल होगा, आपकी गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं होगी, चलते चलते बंद पड़ेगी। अगर ये थोड़ी सी छोटी सी हमारी गलती की वजह से हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है, हमारा इंजन ज़्यादा हीट करेगा अगर डी कंप्रेसर नहीं होगा तो। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से देखिए बैठता है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको देखिए टाइमिंग मिला लेना है। टाइमिंग देखिए, पहले आप मैग्नेट को टी पर लाइए। देखिए टी इधर पे दिखेगा, आप तरफ को टी दिखेगा, टी नज़र आएगा। तो टी इधर पे आप घुमा कर इसे कर सकते हैं। मैग्नेट को थोड़ा घुमाइए 19 के बॉक्स पाने से, तो ये टी आपका वो हो जाएगा। और ये सामने आपको इसे रखना है, मतलब ऊपर भी जो केम शाफ्ट है, केम शाफ्ट में जो ये प्लेट लगी है छोटी सी, तो इसे भी बराबर आपको देखिए टाइमिंग इस पर भी मिलाना है। जब चैन आप चढ़ाएंगे तो ऊपर साइड में एक मार्किंग होता है, उस पर आपको लगाना है। मैं लास्ट में दिखाता हूँ आपको कहाँ मार्किंग होता है। तो ये देखिए, आपको थोड़ा बाहर इसे निकाल लेना है, पहले फिट नहीं करना है। ये देखिए, थोड़ा बाहर निकाल कर ये डी कंप्रेसर का पिन लगा कर नीचे से और ऊपर साइड में थोड़ा घुमा देना है। ये देखिए, हमने जैसे वीडियो में घुमाया है ऐसा कर कर, फिर इसे आप कैम शाफ्ट पे लगा दीजिए। ये देखिए, ये हमारा डी कंप्रेसर बैठ गया बहुत ही आसान तरीके से। इसे लगाने में बड़ी डिफ़िकल्ट आती है, अगर आप को इसकी नॉलेज ना हो कि कैसे बैठेगा तो एक गलत आप बिठाएंगे और ये काम नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल देगी, प्रॉब्लम होगी। तो ये देखिए मार्किंग, ये देखिए ये भी मार्किंग आपको चेक कर लेना है बराबर हो रही कि नहीं। फिर इसका बोल्ट लगा देना है, 12 नंबर का बोल्ट आप टाइट कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इस वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। कीप स्माइल ऑलवेज, बी हैप्पी।